नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टीवी 24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। शादी कराने का झांसा देकर ठगे 20,000, पीड़ित ने मांगे रुपए तो की मारपीट, दबंगों ने मोटरसाइकिल को भी किया क्षतिग्रस्त। मामला बाराई से है। बता दें कि बौंडी थाना क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर झांसा देकर भोले भाले लोगों से रुपया ऐंठने वाला गिरोह सामने आया है। पीड़ित परिवार ने बौंडी थाने पर प्रार्थना पत्र देकर 4 लोगों पर विवाह कराने का झांसा देकर रुपए ठगने का आरोप लगाया था। जब मामला थाना क्षेत्र के बबनौटी शंकरपुर गांव का है। बबनौटी शंकरपुर गांव निवासी विक्रम सिंह ने बौंडी थाने पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि इसी थाना क्षेत्र के पिपरा ग्राम पंचायत के नवनपुरवा गौरिया निवासी मनीष सिंह व अभिनीत सिंह ने उसके बेटे विकास सिंह को शादी कराने का झांसा देकर बीते 1 माह पूर्व 20,000 रुपये ठग लिए। जब पीड़ित पिता को इसकी जानकारी मिली और आरोपियों के चरित्र के से वाकिफ हुए तो उन्होंने मनीष वह विनीत से रुपए मांगना शुरू किए, लेकिन आरोपी रुपए लौटाने में टाल मटोल करते रहे। पीड़ित का आरोप है कि गुरुवार की दोपहर आरोपी मनीष विनीत संतोष व लल्लन उसे एरिया शंकरपुर संपर्क मार्ग पर मिल गए थे। जब पीड़ित ने रुपए मांगे तो आरोपी दबंगों ने पीड़ित को बद्दी बद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देकर थप्पड़ घूसों से पूरी तरह पीटा। पीड़ित की मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। खबर लिखे जाने तक पीड़ित ने बौंडी थाने में तहरीर दे दी है। देखना दिलचस्प होगा कि शादी कराने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने वाले इन शातिर आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस क्या कार्रवाई करती है।